राजायाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश आप सभी का स्वागत करता हूँ नागपुर इन्फो में। वैसे आप सभी को पता है कि ये जो अभी सीजन चल रहा है हमारे गणेश जी का चल रहा है। 10 दिन हो चुके हैं गणेश जी हमारे साथ रहे और आज 10 दिन बाद समय आया है गणेश जी को अलविदा कहने का यानी कि गणेश विसर्जन का। और मैं आज फुटाला लेक पर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कई अनेक अलग अलग जगह से कई नागपुर के कई क्षेत्रों से यहाँ पर एक जगह आए हैं लोग विसर्जन करने। कई घरों के आए हैं, कई मंडलों के आए हैं गणेश जी यहाँ विसर्जन करने के लिए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। गणेश जी को विसर्जन करने आए हैं, अलविदा कहने आए हैं। और पूरे इतने दिन साथ में रहने के बाद जब ये समय आता है, जब गणेश जी को हमारे प्यारे गणेश जी को हम अलविदा कहने का जब समय आता है तो सब लोग यहाँ एकत्रित होकर सब पूजा अर्चना के बाद उन्हें अलविदा कहते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी फुटाला लेक पर और फुटाला लेक पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से जो हमारे स्वच्छता के लिए जो उन्होंने मुहिम चलाई है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी तक इतने गणेश विसर्जन हो चुके हैं पर तालाब अभी भी साफ सुथरा ही है यहाँ पर। और साथ ही हमारी नागपुर पुलिस का तो कहना ही ज़बरदस्त होता है कि भैया जब यहाँ हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने जैसे देखा कि सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की गई है कि कुछ भी अनहोनी यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे से लेके होमगार्ड से लेके हर लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मौजूद है कि कुछ भी अनहोनी ना हो, क्योंकि इतने अलग अलग जगह से लोग आने के बाद होता है ऐसा कई जगहों पर हमारे नागपुर में आज तक नहीं हुआ है और उसी तरह इस साल भी नहीं होगा। तो ये बातें तो एक जगह होती है पर दोस्त आज मैं आपसे आया हूँ यहाँ आप लोगों को बताने कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है गणेश विसर्जन को लेकर। तो आइए जानते हैं। तो जैसे ही हमने शुरुआत की आज लोगों से जानने के लिए कि कैसा लग रहा है गणेश जी को अलविदा करते हुए, उसी तरह मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली बोलते हैं इसे, मुझे तो मंडल नज़र आ रहा है अपने आप में, एक ऐसा हो गया मुझे आप लोगों को देख के कि देश यहाँ नज़र आ रहा है। तो यार ये एक पूरे फैमिली के लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है तो इनसे जानते हैं हम कहाँ से। सबसे पहला सवाल तो कहाँ से आप लोग? हम रामनगर नागपुर से हैं और गणेश उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और ये यहाँ तक हम लोग आते हैं और विसर्जित करते हैं। और वो तो समझ में आ रहा है कि आप लोग बड़े धूमधाम से मनाते हो, झंडे वंडे बिल्कुल, इतने लड़के लड़कियों की तादाद है आप लोगों की, एक यूनिटी के साथ आप लोग आए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को देख के मुझे एनर्जी फील हो रही है यार। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज मेरा सवाल भी है सभी लोगों से, इतने दिन गणेश जी हमारे साथ होते हो और आज का जो दिन है हम लोग अलविदा कहने आते हैं उन्हें, तो कैसा लगता है अपने दिल में एक बात कि इतने दिन हमारे साथ अपनी हंसी खुशी में साथ देते हैं गणेश जी और 10 दिन बाद हम यहाँ अलविदा करने आते हैं, तो क्या कहना है आपका? इसलिए हम लोग नारा लगाते ना, गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी। यानी एक बात तो है भैया, हम लाते भी खुशी से है और अलविदा भी खुशी से करते हैं क्योंकि अगले बार गणेश जी हमसे इम्प्रेस होकर फिर दोबारा आए। तो एक बार मैं भी बोलना चाहूंगा गणपति बप्पा। आज गणेश विसर्जन है और हम लोग 10 दिन 11 दिन जितने भी दिन गणेश जी हमारे साथ रहते हैं बहुत हंसी खुशी हम लोग रहते हैं, कई सुख दुख बांटते हैं हम लोग गणेश जी से और आज अलविदा कहने का दिन है, तो क्या कहना है आपका? गणपति के अलविदा के दिन हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान सबके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे और सबको प्रेम भावना से जीने की रास्ता दे। आपका क्या कहना है? सबको खुशी दे और सबका स्वास्थ्य ठीक रखे। मैम आपका? मेरा भी वही है, इन दोनों का है वो मेरा है, बराबर एक ही फैमिली की हो, कहाँ अलग अलग। भाई अपन तो यंग है, आपका क्या कहना है? ज़्यादा कुछ नहीं है कि यही है कहना है कि सिर्फ सबको सुखी दे और बस रुक करें। इसका मतलब आफ्टर ऑल गणेश जी से हम चाहते हैं कि आप हमेशा जब भी आए हमारे पास तो सुख समृद्धि और जाते समय देकर जाए। ओके, तो मैं चाहूँगा आप लोगों से गणपति बप्पा। सबसे पहले तो आप लोग कहाँ से? घाट रोड भारत सिंगर बुरकर नगर नागपुर।
तो आपका गणेश जी ये जो आपने लाया है ये एक फैमिली गणेश जी है? हाँ, फैमिली फैमिली, एक ही फैमिली का, एक फैमिली में इतने सारे लोग? यस, पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो बड़े मजे से लाया होगा आप लोगों ने, ऐसा दिख रहा है। जब इतनी फैमिली यहाँ गणेश जी को अलविदा कहने आई है, इसका मतलब आप बड़े मजे से आए हो। पूरे बैंड के साथ हम पूरे फैमिली आई है। क्या बात है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो आंटी जी से पूछना चाहूंगा मैं कि गणेश जी इतने दिन हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में हम लोग बांटते हैं गणेश जी के साथ में, और आज उनको अलविदा कहने का दिन आता है, जब एक समय आता है, तो कैसा लगता है? दुख लगता है। सब लोग 10 दिन अच्छा लगता है, घर में माहौल अच्छा रहता है और 10 दिन के अंदर रौनक रहती है घर में, और चले जाते हैं तो फिर गणपति ही सुना हो जाता है घर। मेरा और एक सवाल है कि जैसे गणेश जी जब आते हैं तो हर इंसान मतलब ही होता है, सीधी सी बात है, इंसान मतलब ही होता है। गणेश जी आते हैं तो कुछ लेकर नहीं आते, पर जाते समय बहुत कुछ देकर जाते, तो आपके फैमिली में ऐसा क्या दिया अभी तक गणेश जी ने? सुख शांति दी है और क्या देंगे, बिजनेस धंधा, पूरी फैमिली ज्वाइंट लेके चलना, पूरी फैमिली के एकता बना के रखना, मम्मी की बीमारी दुख बीमारी जो भी मुसीबत पे गणपति पप्पा साथ देना, हर चीज पे गणपति पप्पा ने साथ दिया। इसका मतलब गणपति पापा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के साथ है, तो इसी परिवार के साथ एक जोरदार नारा हो जाए, गणपति पापा। यहाँ अभी तक हमने कई अलग अलग प्रकार के गणेश जी देखे हैं, वैसे मैंने आपको बताया था कितने रूप में गणेश जी देखा जाए, पर ये रूप मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा रूप है गणेश जी का। तो जिन्होंने इनको लाया है उनसे हम लोग जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोग कहाँ से? हम लोग हिस्लॉप कॉलेज से, NSS से। क्या बात, नेशनल सर्विस स्कीम से। नहीं नहीं, वो हिस्लॉप सुन के समझ में आ गया। एक बात मुझे बताओ कि ये जो गणेश जी की मूर्ति आप लेकर आए हो यहाँ, तो क्या है ये? तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहली बात तो जैसे तालाबों में गंदगी हो रही है और जो पानी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बन चुका है, तो उसके लिए एक नया आयाम की रचना करते हुए हमारे जब दल के पूरे सदस्य है उन्होंने इको फ्रेंडली गणपति बनाया, अपने हाथ से मिट्टी की बनाया, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये चूना है, और इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं किया हुआ है हम लोगों ने। इसमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किस्म के बच्चे हैं। एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने एक मैसेज देने के लिए ये चीज़ निकाली है। बहुत अच्छी सोच है यार, ये बहुत 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 ज़बरदस्त। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि इतनी अच्छी सोच के साथ आप लोग यहाँ आए हो। पर एक सवाल और है कि गणेश जी आप लोगों ने आज ही तो बनाए नहीं होंगे, क्योंकि जब से गणेश जी विराजित हुए उसके बाद से अभी विसर्जन तक इतने दिन गणेश जी हमारे साथ रहे, सुख दुख हम लोगों ने बांटा है, तो जब हमें अलविदा कहने का समय आता है गणेश जी को, तो कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो 25 गणपति हम लोगों ने बनाए थे, साथ में बैठ के बनाए थे, उन लोगों में हम लोगों ने स्टॉल लगाया था इको फ्रेंडली गणपति का, तो उसमें से 23 गणपति बिक चुके थे, जिसका हम लोगों ने फंड जमा किया हुआ हम लोग ऑर्फन एज में देने वाले हैं। और जब हम लोगों ने 10 दिन की पूजा की, सब कुछ किया, और अब जब आखिरी में जिसका छोड़ने का वक्त आ रहा है, तो लोगों को एक मैसेज देने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 दिन से हम लोग सोच रहे थे ये दिन कब आएगा, हम लोग कब लोगों को मैसेज देंगे, तो आज ये मैसेज देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत खूब यार, तो एक बार नारा लगा दे गणेश जी के लिए, गणपति बाप्पा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो अब यहाँ मेरे साथ है वर्मा लेआउट जो नागपुर क्षेत्र का है, तो मैं उनसे जानने आया हूँ कि यहाँ फैमिली आई है। तो सर, कितने दिनों से आप लोगों ने बिठाया गणेश जी को और आज विसर्जन कर रहे हैं आप, तो अलविदा करते समय कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है। विगत 50 सालों से हम यानी 49 ईयर से हम यहाँ गणपति की स्थापना कर रहे हैं। मेरे बड़े भैया जो एक साल के होने के थे तब से हमारी परंपरा शुरू है और वो हमने अखंडित रखी है। आज इस साल का हमारा 49th ईयर है। बहुत दुख हो रहा है, गणपति बप्पा जा रहे हैं, हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे एक कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग हो रहा है करके, हमें बड़ा दुख हो रहा है। और आपका क्या कहना है? नहीं, गणपति विसर्जन करते समय तो दुख होता ही है, ऐसा लगता अपने घर का कोई तो भी एक व्यक्ति है वो जो अपने घर से जा रहा, तो नेचुरली दुख तो होने वाला है सबको। बेटा, छोटे बच्चों के बड़े फ्रेंड होते हैं हमारे गणेश जी, तो आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पर अभी दुख हो रहा है थोड़ा, पर अगले साल जरूर आएंगे। तो सर, आप भी यहाँ अपने गणेश जी के साथ आए हैं? ये बहुत साल से कर रहा हूँ, आज ही इनके दौलत में सब कुछ हुआ है, सब कुछ रहेगा, कोशिश करता हूँ हमेशा हर साल हमारे साथ रहे। वैसे कहा जाता है कि अलविदा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए रुका सुखा, हंसते खेलते हुए अलविदा करना चाहिए, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी बोलोगे, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा।
तो जैसे आप लोगों को पता है कि फुटाला लेक पर जब गणेश विसर्जन होता है तो स्वच्छता को लेकर बहुत सारे मुहिम चलाए जाते हैं, उसी तरह नागपुर महानगर पालिका की मदद करने यहाँ पर रोटरी क्लब की लड़कियाँ यहाँ मेरे साथ आई हुई है। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ से हैं, आज क्या कर रहे हो यहाँ पर और क्या सोच है आपकी और क्या संदेश देना चाहते हो आप? हम लोग सदाबाई रायसोनी वुमेन्स कॉलेज से है। हम लोग रोटरी क्लब, हमारे कॉलेज में एक रोटरी क्लब है जो नागपुर चलाता है, उसमें से एक पार्ट हमारे कॉलेज का भी है। हम लोग जो निर्माल्य जो गणपति जी के आर्ट जो इतने दिनों से 10 दिनों के ये रहते हैं, उनके गार्लैंड जो उनके हार वार रहते हैं, वो लोग पानी में डालते हैं, पानी उससे प्रदूषित हो जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर हम वो सब निर्माला एक साथ कलेक्ट करते हैं वो चीज़, फिर हम लोग उनको खाद और सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, इससे हमारा पॉल्यूशन भी बन जाता है और बेचारे किसानों की हेल्प भी हो जाती है। क्या बात है, किसानों के बारे में सोच रहे हो लड़कियाँ, क्या बात है यार। आजकल देखा लड़कियाँ, सोचो इनके जैसा सोचो यार, नहीं तो बॉयफ्रेंड के बारे में तो कोई भी सोचता है, किसी और के बारे में सोचना और इतने अच्छा विषय के बारे में सोचना, आपका क्या कहना है? जब किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है आप लोगों से? इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उन ये सारी चीज़ें उनके खाद में यूज़ हो सकती है जिससे कि अच्छी फसल मिल सकती है। और फसल होगी तो बने धान ज़्यादा आएगा, धान ज़्यादा आएगा तो किसान के पास पैसा ज़्यादा आएगा, और पैसा जब ज़्यादा आ गया तो आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या कहना है? अगर अनाज सस्ता हो गया तो बेचारे जो गरीब लोग रहते हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। क्या बात है यार, घुमा फिरा के इतना प्यारा है यार तुम लोग, मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। आज गणेश विसर्जन है तो आप लोगों का ये जो प्लान है ये कब बना, कैसे बना और किसने बनाया और किस तरह आप लोग यहाँ तक पहुँचो? कॉलेज की तरफ से हम आए हैं और रोटरी क्लब वालों ने ये प्लान बनाया है। तो इसका कोई है मेन लीड? रोटरी क्लब पूरा वही मेन लीड है, उनका इंचार्ज है, उनकी तरफ से हम लोग आए हैं। तो भी कितनी लड़कियां यहां पर मौजूद है आज तुम्हारे रोटरी क्लब की? जी हमारे रोटरी क्लब में कुल 13 कॉलेजेस है, उसमें से हम एक कॉलेज सदाबाई रायसोनी, एक तुली है और एक हिस्टॉप। अभी हमारा 2 to 5 वाला एक बैच है, उसके बाद एक 4 to 6 वाला आएगा, एक 7 to 9, 10, ऐसे 12 बजे तक हमारे लॉट चलने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक रायसोनी कॉलेज से आए हैं, हमारे एक वहाँ से कॉलेज रोटरी वालों ने भेजा है। यानी आप लोग कई कॉलेजेस के पूरे लोगों ने मिलकर एक साथ ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा यार। एक बार हम लोग गणेश विसर्जन है तो हम लोग गणेश जी को अलविदा कहेंगे पर खुशी और पूरे एनर्जी के साथ। तो मेरे साथ एक बार फिर बोलना, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तो सबसे पहला सवाल कि आप लोग कहाँ से? हम सदर से आए हुए हैं, सदर गांधी चौक, गांधी चौक। तो हम लोगों ने इतने दिन तक हमें गणेश जी को हमारे यहाँ पर लाया है और इतने दिन साथ में रहे, अपने सुख दुख बांटे उनके साथ, और आज उन्हें अलविदा कहने का समय आया है, कैसा लग रहा है? बहुत दुख लग रहा है बात का। सर हमारा सुना हो गया है आज, जैसे ही गणेश जी को बाहर हमने निकाले, एंड अभी थोड़ा सुनसान लगेगा, एडजस्ट करने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट फीलिंग सैड, इट्स जस्ट लाइक कि फैमिली मेम्बर थोड़ा दूर चले गए एक साल की छुट्टी मनाने के लिए, पर विल वेट फॉर गणपति टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। सो गणपति बाप्पा यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कहाँ के है ये गणेश जी जिसे आपने अभी विसर्जित किया? हमारे झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, कॉलेज के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, आर्किटेक्चर कॉलेज है, वहाँ के गणपति हैं। सर कितने सालों से आप बिठा रहे हैं? हमारा 9वां साल है ये। 9वां साल है सर। इस साल गणेश जी हमारे जब से आए हैं हमारे साथ रहे, हम लोगों ने सुख दुख बैठे हैं, आज उन्हें अलविदा कहने का समय आया है, तो कैसा लग रहा है? आप दुख हो रहा है, अगले साल का फिर इंतजार है। इस बार भी गणेश जी ने कुछ ना कुछ संदेश दिया होगा जी। आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आज? नहीं, लोकमान्य तिलक जी का जैसा नारा था, अनेकता में एकता है, सब लोग साथ में आके ये पर्व मनाते हैं। बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे का यूनाइट होना इम्पोर्टेंट है, वही मकसद है हमारा भी, और इसी मकसद से हम गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि जब गणेश जी जा रहे हैं तो हम लोग भी एक बार जोर से खुशी खुशी उन्हें अलविदा कहें, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। सभी गणेश जी के साथ साथ मेरे साथ यहाँ पर उत्तर नागपुर से आए गणेश जी भी है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सर कहाँ से आप? हम सर जरी भटका उत्तर नागपुर से आए हैं, पिरामिड सिटी से। क्या है आपके मंडल का नाम? पिरामिड सिटी गणेश उत्सव मंडल। क्या बात है सर, बहुत अच्छा नाम है। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि हम लोग इतने दिनों से गणेश जी की सेवा में रहते हैं, इतने दिनों से हम लोग साथ में रहते हैं, उन्हें अपने यहाँ विराजमित करते हैं, और आज
उन्हें अलविदा कहने का समय आता है, कैसा लग रहा है? सर ऐसे लगता है कि घर से कोई विदा हो रहा है, बहुत अकेलापन लगता है, मायूस लगता है। 10 दिन रात को ऐसे जश्न का माहौल रहता है, शादी का माहौल रहता है, जब ऐसे आखिरी दिन विदाई होती है तो बहुत बड़ा एकदम सन्नाटा लगता है। 10 दिन बहुत ज़्यादा हमको ये वापस सेट होने में लगते हैं। तो क्या चाहते हैं आप गणेश जी से? अभी तक इतने दिन रहे, सब अलग अलग मनोकामनाएं मांगते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं ऐसे ही हमेशा मनोरंजन, गणेश जी हमारे पास हर साल ऐसे ही आते रहें, हर साल ऐसे 10 दिन तक ऐसे ही मनोरंजन का माहौल बना रहे। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही आस्था का माहौल बना रहना चाहिए, सभी लोग ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए, सब जगह सुख समृद्धि बनी रहनी चाहिए। बार मेरे साथ नारा लेंगे, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, पुरजा वर्षी लोकरिया। जहाँ सभी जगह लोग गणेश विसर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर फुटाला लेक पर एक अलग से कृत्रिम विसर्जन का यहाँ पर एक साधन तैयार किया गया है। तो यहाँ भी लोग, ये उसलिए होता है कि जहाँ जल प्रदूषित ना हो और प्रदूषण ज़्यादा ना फैले इस चीज़ के लिए। और मेरे साथ यहाँ पर NMC से सर आए हैं, उनसे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सर ये क्या है, किस तरह इसका उपयोग होता है और क्या फ़ायदा होता है? शहर में जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूशन उसका ना हो, ये जैसी महानगर पालिका की जिम्मेदारी है वैसी शहर के नागरिकों की भी है। इसलिए कई सालों से महानगर पालिका ने प्रयास किया है कि गणेश जी का विसर्जन जो होना चाहिए वो आर्टिफिशियल टैंक्स में होना चाहिए, नेचुरल वाटर बॉडी में होना नहीं चाहिए। नेचुरल वाटर बॉडी का संवर्धन होना चाहिए, उसका पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने फुटाला लेक पे हर साल की तरह इस साल भी 8 आर्टिफिशियल टैंक्स यहाँ पर हमने लगाए हैं। ये साउथ साइड में हमारे 2 है, 3 है, और नॉर्थ साइड में हमारे 5 हैं। जो हमने NIT ने यहाँ पे कैरीज की थी पेड़ लगाने के लिए, उसको भी हमने उसकी मिट्टी निकाल के उसको आर्टिफिशियल टैंक में कन्वर्ट किया है, उसमें पानी भर के और विसर्जन चल रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों में भी अवेयरनेस अच्छा है और लोगों का प्रतिसाद अच्छा है। कल तक का मैं आंकड़ा दे सकता हूँ, कल तक 1049 मूर्तियों का विसर्जन हुआ, उसमें से सिर्फ 34 मूर्तियाँ तालाब में गई, बाकी सब आर्टिफिशियल टैंक्स में गई। इस आज भी मैं देख रहा हूँ, अभी 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, लोग बड़े अच्छे तरह से हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ ग्रीन विजिल फाउंडेशन नामक NGO है, रोटरी के लोग हैं, हिस्लॉप कॉलेज के लोग हैं, वो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों का अच्छा प्रतिसाद है। सर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके सहयोग के बिना महानगर पालिका एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। महानगर पालिका ने जो आह्वान किया है कि विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक्स में करें, बस लोगों को हमारा यही कहना है कि हमारा ये आह्वान वो स्वीकारे। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस साल हमने एक नोबल कंसेप्ट सामने लाया है कि दैट इज़ मोबाइल इमर्शन टैंक। 2 इमर्शन टैंक्स हमने बनाई है, टाटा एस गाड़ी पे उसको माउंट किया है, और दोनों गाड़ियाँ हमने लोगों को 2 मोबाइल नंबर दे के रखे हैं, पब्लिश किए हैं कि ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारी गाड़ी आपके घर के सामने आ जाएगी और वहाँ आप घर के सामने विसर्जन कर सकते हैं। किसी कॉलोनी को एक साथ 10-12 गणपतियों का विसर्जन करना है तो वहाँ पे भी वो कॉल कर सकते हैं, हमारी गाड़ी तुरंत आधे घंटे में वहाँ पे हाजिर हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो कितने कर्मचारी हमारे अभी ड्यूटी है, किस तरह की व्यवस्था की गई है और क्या क्या इस बार अलग अपना गया सुरक्षा व्यवस्था की? यहाँ पर 500 तक अपने ऑन ड्यूटी कर्मचारी हैं, और जहाँ पर राज्य राखीव पुलिस बल की एक प्लाटून भी तैनात की गई है, और यहाँ पर सभी प्रकार के जो प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं, और लोगों को भी बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कहाँ से कैसे किस तरीके से विसर्जन किया जाए। और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि अच्छे से और सुखरूपता से गणेश जी का विसर्जन हो और समय में हो, इसके लिए हम सभी कार्यरत हैं। सभी नागरिकों से यही आह्वान रहेगा कि वो विसर्जन को छोटे बच्चों को ना लेके जाए, बड़े व्यक्ति ही विसर्जन करे, और पानी में ना कोई उतरे, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखे। और यहाँ पे 2 बाजू को विसर्जन हो रहा है, फुटाला तालाब के दक्षिण बाजू में
जो हम बैठे हैं यह दक्षिण बाजू है और उत्तर बाजू में, दक्षिण बाजू में अमरावती रोड से आने वाले पूरे गणेश जी आ रहे हैं और उत्तर बाजू में तेलंगखेड़ी उस साइड से आने वाले गणेश जी आ रहे हैं, सिविल लाइन तेलंगखेड़ी से आने वाले। दोनों बाजू में विसर्जन की व्यवस्था है और ऐसा कुछ नहीं है जो है विसर्जन है।